तो भैया मेरा नाम सोमेश है, मुझे कहानी सुनाना बड़ा पसंद है। ये मेरी पहली कहानी है। वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। इससे पहले कि आज का व्लॉग शुरू हो, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। जनाब, वैसे तो मेरा नाम सोमेश है, पर लोग मुझे कैमरा वाले भैया के नाम से जानते हैं। पेशे और पैशन से हम एक फोटोग्राफर हैं और ट्रैवलिंग के शौकीन भी। 4 साल हो गए हैं मुझे फोटोग्राफी शुरू किए हुए। इन 4 सालों में हमने ट्रेन की छत कहो या ताजमहल की खूबसूरती, बनारस के घाट कहो या इंडिया गेट की शान, ब्रज की होली कहो या दिवाली का त्यौहार, हर इन मोमेंट को अपने तस्वीरों से कैद करने की कोशिश की है। और फिलहाल सुबह के 4:30 बज रहे हैं। इससे पहले कि हम लेट हों, हम निकलते हैं। आप आगे देखिए, हमें मिलिए यमुना घाट पे। तो जनाब, यहाँ सिचुएशन ये हुई कि गाड़ी के छत पे हम गोप्रो के एक्सेसरीज वाला डब्बा रख के भूल गए और गाड़ी हमारी चल दी। तो अब आगे देखिए कि क्या होता है। छत पे रख दिया था यार। यार मैं तब से कुछ गिरा था, वही तो पूछ रहा हूँ, कुछ गिरा था। बहुत तेज गिरा है, बस वो ब्रेक ना हुआ। भैया यार, पूरा बॉक्स गिरा, आगे था, आगे था, बॉक्स होगा पूरा ब्लैक कलर का। यही कहीं आवाज आई थी ना, जल्दी और आगे चल। ये देखो, रुको रुको रुको, एक सेकेंड। अरे तोड़ दिया भाई, तोड़ दिया। गोप्रो का सारा सामान। कहाँ? बस भी आ गई। ये होता है जब आप डिक्की के ऊपर सारा सामान रख के गाड़ी चला देते हो, कुछ याद ही नहीं रहता। एडवेंचर से स्टार्ट हुआ है लगता है आज का दिन। इसमें हीरो 8 भी था? नहीं नहीं, सारा हीरो 8 का है। अरे वो तो जो लगा हुआ है वही तो हीरो 8 है। मैक्स मेरे बैग में है। ओह ये इसमें वो नहीं था, इसलिए तो मैं बोल रहा था कि चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चालीस हो चुके हैं, हम निकल चुके हैं अपने यमुना घाट पे। अगर हम लेट होते हैं तो हम ब्लू आवर मिस कर देंगे, बट मैं चाहता हूँ कि हम आराम से जल्दी से पहुँच जाएँ और पंडित जी की चाय हमें नसीब हो जाए। हर्षी कुछ बोलना चाहते हैं? देखो दोस्तों, अखरोट बादाम और किशमिश खाते रहना चाहिए। अभी किशमिश अंदर रह गई है। ये हमारे हेल्दी आदमी जो हैं, आदमी औरत पंडित जी की चाय हम पीने जा रहे हैं। पंडित जी की चाय पीने जा रहे हैं, तो देखते हैं कि आज गर्म चाय हमें नसीब होती है या नहीं। चाय तैयार है? तैयार है चाय। आरोसी कहाँ है?
कल परसों बात करते सूरज कब निकलेगा, मैं निकाल के दिखाऊंगी। तो गर्मा गर्म चाय हमारी तैयार है, मजा आ रहा है। चाय का असली मजा फैन के साथ। तो हम पहुंच चुके हैं यमुना घाट और इधर से अभी हम फिलहाल यमुना घाट पहुंच चुके हैं। हमारे साथ दो नौजवान हैं। नौजवान नौजवान नाइन जवान और मंजर कुछ ऐसा है हमारे यहाँ पे, सनराइज होने वाला है। लेट्स सी, अभी शायद वायलेट आवर चल रहा है। देखो दो तरीके के लोग होते हैं। अगर आप 6 बजे कहीं जाना चाहते हैं और आप 6:05 पे उठते हैं तो आपको लगता है यार मैं लेट हो गया। तो सेम मेरे साथ है, मैं आज 6:05 पे पहुंचा यहाँ पे तो मुझे ऐसा लग रहा है यार मैं लेट हो गया क्योंकि ब्लू आवर थोड़ा सा मिस हो चुका है। बट कोई नहीं, हम शूट करेंगे। थोड़ी ठंड है, 4 डिग्री है तो ठंड से हाथ कांप रहे हैं। आप ब्लॉगिंग सेटअप भी मतलब मैंने पूरा नहीं लगाया, मैंने सिर्फ कैमरा उठा लिया, गोरिल्ला पॉड लगाया नहीं। तो अभी देखते हैं कैसा जाता है, टाइम लैप्स बनाएंगे, उस पार जाएंगे, उस पार से भी टाइम लैप्स बनाएंगे, उस पार का व्यू दिखाएंगे आपको। एंड लेट्स सी। तो भैया घाट पर टाइम लैप्स बनाने के बाद हम गए रूफटॉप पर और रूफटॉप के नज़ारे कुछ अलग ही थे। तो जनाब अगर आपकी टांगें लंबी हों तो सीढ़ियों से संभल के उतरिएगा। बाकी सीढ़ियों से उतरने के बाद हम मिलने पहुंचे हमारी बिल्लो रानी से, घाट की सबसे फेमस मल्लिका हुस्न, बिल्लो रानी, सबकी चहेती। जी हाँ, हर फोटोग्राफर अपनी मॉडल को छोड़कर इनके पीछे पड़ा रहता है, पर ये भैया इनके अलग ही एटीट्यूड है, ये किसी के मुँह नहीं लगती। बिल्लो रानी से बातचीत के बाद हम चले नदिया पार, और अगर नाव पर जा रहे हैं तो भैया दाना लेना मत भूलिएगा। बिना दाने के चिड़िया आपको उस तरह से इग्नोर करेगी जिस तरह से आपकी क्रश आपको स्कूल में किया करती थी। बाकी हवाई हमले से बच के रहिएगा, समझदार को इशारा काफी है। ये चिड़िया ऐसे निकलते भाई, लड़कों के जूते से और बालों से खिलवाड़ नहीं करते। अब बिना ठंड नहीं है, नहीं तो क्या होता है ना जब हम लोग फेंकते हैं ना हवा जो चलती है ना ऐसा लगता है कपकपी आ जाती है पूरी। यमुना घाट से फिर हम चल दिए ब्रेकफास्ट के लिए, और ब्रेकफास्ट करते हुए अगर आप अपना टाइम लैप्स ना बनाएं तो भैया ये कहाँ का इंसाफ है। ग्रिल चिकन चीज सैंडविच और हनी बनाना शेक। हाँ बोलो। तो जनाब आपका स्वागत है, आप देख सकते हैं हम यमुना घाट आए हुए हैं। यमुना घाट में चारों तरफ आपको साइबेरियन बर्ड्स मिल जाएंगी, सबसे बेस्ट टाइम है विंटर में आइए। और सुबह सुबह आएंगे तो नाव वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे कि आइए हमारे नाव में बैठिए, तो किसी एक के नाव में बैठ जाइएगा। और एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपनी सवारी सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, तो अपने सामान को सेफली रखिएगा क्योंकि पानी में गिर गया तो फिर तो गया भैया।